चले मम्मी जी। हाँ एक मिनट बहू, हम जरा काम से बाहर जा रहे हैं, तू घर का ध्यान रखना। अरे मम्मी जी मैं भी चलती हूँ ना, मैं घर में क्या करूँगी, घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाऊंगी ना। कोई जरूरत नहीं है, हम काम से बाहर जा रहे हैं, कोई घूमने नहीं कि तुम्हें भी लेके जाए। तुमसे किसी ने पूछा? अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, शाम तक आ जाएंगे बहू। ठीक है मम्मी जी, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं ना शॉपिंग करके आ जाऊंगी। अब ये क्या नाटक लगा के रखा है तुमने? कैसा नाटक? ये डेली डेली शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो तुम ये रोज खर्चा करती जाती हो? कोई जरूरत नहीं है फालतू खर्चा करने की। क्या बोला तुमने, फालतू का खर्च? तुम कुछ ज्यादा भोली नहीं बन रही हो, इतनी भोली बनने की ना कोशिश मत करो, मैं अच्छे से जानती हूँ इतनी भोली नहीं हो तुम, और जो तुम फालतू का खर्च करती हो उसका क्या? मम्मी जी आप इसे कुछ क्यों नहीं बोलती हो? क्या गलत बोल रही है वो, सही तो बोल रही है, पैसे कम खर्च करना सीखो, वैसे भी बुरे वक्त में ना सेविंग ही काम आती है। लेकिन मम्मी जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ आजकल डिमांड्स ना तुम्हारी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, आने दो बेटे को, शाम को मैं उसी से बात करूंगी, तब तक तुम घर का ध्यान रखो, चल बेटा। बहू एक गिलास पानी देना। ये लो मम्मी जी पानी। ये इशू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही पूरे दिन से। वो तो सुबह से ही बाहर गई हुई है माँ जी। अच्छा फोन लगा के पूछना जरा कहाँ गई है। हाँ मैंने ना उसे फोन किया था लेकिन उसका फोन ना स्विच ऑफ जा रहा है। स्विच ऑफ है फोन, कहाँ गई होगी, मुझे तो चिंता हो रही है उसकी। हाँ याद आया मुझे, मैंने ना सुबह उसको उसके दोस्तों से बात करते हुए सुना था, वो ना शायद किसी पार्टी में गई है। पार्टी में? इस लड़की के अंदर तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, पता नहीं क्या सीख के आई अपने मायके से, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है कुछ पता नहीं है, पता नहीं कब आएंगी महारानी जी। ये लो आ गई महारानी। कहाँ गई थी तू? वो एक बात ना तू ध्यान से सुन ले, यहाँ रहना है ना तो सलीके से रह, वरना हमेशा के लिए ना तुझे तेरे मायके भेज दूंगी। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। अब क्या सुनना बाकी रह गया है, सब कुछ तो हमने अपनी आंखों से देख लिया है, अब ना झूठ बोलना बंद करो और सच सच बताओ किन दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी तुम। और माँ जी मुझे तो लगता है आज इसने पक्का शराब पी होगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हूँ मैं, अरे सच ही तो बोल रही हूँ, और ये दुपट्टा कैसे ले रखा है, सब कुछ तो दिख रहा है, नीचे करो उसे, संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है। मम्मी जी आप ना इसकी बातों में यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रही है। चुप करो तुम दोनों, मुझे ना सब दिख रहा है क्या सच है और क्या झूठ है, सब तुम्हारी हालत बता रही है मुझे। मम्मी जी मैं किसी भी पार्टी में नहीं गई थी। हाँ ये सच है कि मेरे दोस्तों ने मुझे पार्टी में बुलाया था लेकिन मैंने उन्हें कॉल में विश कर दिया था, और उसके बाद मेरे घर से कॉल आया था कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, उनको फटाफट से हॉस्पिटल में लेकर गई थी। मम्मी जी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना आप एक बार मेरे घर में फोन कर लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बस करो, कितना झूठ बोलोगे तुम अब, बस चुप करो तुम दोनों, बहुत हो गया, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, और हाँ दोबारा ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हाँ मैं बता देती हूँ तुमको। लेकिन मम्मी जी बस जाओ अपने कमरे में। क्या हुआ मम्मी जी, आप बड़ी परेशान लग रही हैं। अरे वो शर्मा जी ने ना पूर्वी को किसी लड़के के साथ बाहर जाते देखा और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, एक मिनट मैं ना कॉल करके देखती हूँ। हाँ मम्मी जी उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा है, क्या ही करो। मम्मी जी मैंने ना उसकी अभी अलमारी चेक करी, उसके अलमारी में ना उसके कपड़े और ना कोई गहने हैं। क्या कपड़े गहने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पूर्वी भाग गए। हे भगवान मैं क्या करूं। मम्मी जी संभालिए अपने आप को। मैं क्या करूं, मैंने उस पे इतना विश्वास किया था, मैं उसको बेटी की तरह प्यार करती थी और उसके हर बात पे विश्वास कर लेती थी, अरे हमारा ना सही कम से कम अपने मायके वालों का ही ख्याल कर लेती, क्या कर दिया पूर्वी ने। देखा मम्मी जी वो कितनी भोली बनती थी, गलत मैं नहीं गलत तो वो थी, और आप हमेशा मुझे डांटते रहते थे। बेटा हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैं तुझे कितना गलत बोलती रही, तुझ पे शक करती रही, और पूर्वी को मैं कितना प्यार करती थी,
कितना विश्वास करती थी उस और उसने उसने मेरी आंखों में धूल झोंक पता नहीं किस किस और भाग गई, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मम्मी जी आप माफी मत मांगे, और जो दिखता है जरूरी नहीं है कि वही हो, और किसी में बेकार पे शक करना ये तो सही नहीं है ना। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, हम ना पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को जाके सब कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही आएगा ना। हाँ हाँ।